हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, और हमने लास्ट क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया था, फर्टिलाइजेशन व्हेन वन मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट राइट, देन इट फॉर्म्स जाइगोट व्हिच इज 2n, बिकॉज इट इज आल्सो n, इट इज आल्सो n एंड n इट बिकम 2n। ठीक है, सो इट इज अ डिप्लॉइड बेबी, डिप्लॉइड जाइगोट यू कैन से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंगामी। अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लिया, एम आई राइट? यस एंड इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अच्छा, ये यहाँ पे दो एन पहले से ही है, दो न्यूक्लियस है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, तो ये कितने का बनेगा, ये बनेगा 3n का, राइट? एंड दिस क्योंकि देर आर थ्री न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इस प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो फॉर्म क्या होता है, क्या फॉर्म क्या होता है ट्रिपल फ्यूजन से? समझ नहीं आया, एपिटोपी ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना? अच्छा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ये PEN न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जाइगोट को। ठीक है, तो PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एक तरह से न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा उतना ज्यादा जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और ये दो टाइप का हुआ, एक ये और एक ये, इसी को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वाले में क्या फॉर्म होता है? जाइगोट, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट तो वैसे भी डिप्लॉइड ही होता है ना, जैसे हम भी जाइगोट थे पहले, तो डिप्लॉइड थे, आज भी डिप्लॉइड ही है। ठीक है, डिप्लॉइड। तो सारे बच्चे लिख लेंगे, व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अदर फीमेल गैमेट, व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द अदर फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड सिंगेमी एंड फॉर्म जाइगोट। ये इट फॉर्म जाइगोट एंड दिस इज कॉल्ड सिंगेमी, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है सर, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद अदर फीमेल गैमेट्स। हाँ, फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जाइगोट, दिस इज कॉल्ड सिंगेमी, सिंगेमी। एंड द अदर मेल जर्म सेल, एंड द अदर मेल जर्म सेल फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म and form primary endosperm nucleus, this is called triple fusion and okay, so and both the processes, uske aage likho niche, both the processes syngamy, both the processes syngamy and triple fusion is called double fertilization. Both the processes syngamy and triple fusion is called double fertilization. ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आया किसी को कुछ भी समझ में? फिर आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है मेरे मेरे बच्चों, तो ये था हमारे पास क्या, एंजियोस्पर्म्स का दिस डबल फर्टिलाइजेशन इज द मेन फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स। अच्छा देखो, हमारे पास, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, हमारे पास फ्लावर होता है, राइट? तो ये फ्लावर हमारे पास वैसे क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है हमारे पास कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, शायद मैंने बताया होगा, कोई बता सकता है? जैसे मैंने चार चीजें बताई थी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और जाइनोशियम, किसी को याद है? यस सर, यस सर। व्हाट इज कैलिक्स ऋषभ? द कलेक्शन ऑफ सेपल्स। कोरोला? द कलेक्शन ऑफ पेटल्स। एंड्रोशियम? कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेमेन, कलेक्शन ऑफ स्टेमेन, यस। एंड लास्ट जाइनोशियम? कलेक्शन ऑफ पिस्टिल, कलेक्शन ऑफ पिस्टिल, वेरी गुड, पिस्टिल। ओके, तो ये जिस भी फ्लावर के अंदर ये सब होगा, चारों के चारों एक साथ होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, तो कंप्लीट फ्लावर। अच्छा, ये कंप्लीट फ्लावर एक तरह से बाइसेक्सुअल होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, राइट?
तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका क्या होता है? हिबिस्कस. एवरीबॉडी से दैट हिबिस्कस. एवरीबॉडी से दैट हिबिस्कस. 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 ठीक है. लेकिन मान लो या तो मेल हो या फीमेल हो या कोई सा भी एक पार्ट लैक हो जाए. लैक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो लैक ऑफ, अगर इनमें से कोई सा भी पार्ट लैक हो जाए, मतलब कमी हो जाए, मान लो मेल है फीमेल नहीं है, फीमेल है मेल नहीं है, या यूनिसेक्सुअल भी हो जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका एग्जांपल क्या है? स्क्वैश फ्लावर. वो देखिए ना, येलो येलो टाइप के फ्लावर होते हैं. स्क्वैश फ्लावर देखा है कभी? नो सर. नहीं देखा है? अरे क्या तुम लोग कभी गांव नहीं गए क्या? नहीं सर. बताओ, तुमने भी नहीं देखा? स्वास्तिका सर, मैं कभी गांव नहीं गई. अच्छा, कभी नहीं गई? तुम बंगाल नहीं गई कभी? सर मैंने कभी नहीं देखा ना. ओके ठीक है. अच्छा, ये देख पा रहे हो सारे बच्चे येलो येलो? सर ये देखा है. ठीक है, देखा होगा, बट आई गेस तुम्हें पता नहीं होगा कि ये स्क्वायर्स होता है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? ये है स्क्वायर्स फ्लावर. कैन यू जस्ट सी दैट? पंपकिन का नाम सुना है कभी? पंपकिन. मतलब कभी कुछ लड़कियां लड़ाई करती हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं यू आर पंपकिन. ठीक है, तो वो बोलती है वो प्लीज शट अप, यू आर पंपकिन, आई एम नॉट. ठीक है, लड़की की लड़ाई ऐसी होती है. ठीक है, तो ये क्या होता है? तुम जो बजाओ ऐसे होता है. ठीक है, तो ये क्या है? पंपकिन बनाता है आगे जाके. ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद. तो ये है मेरे पास स्क्वैश. इज दैट क्लियर? यस सर. अरे बोलो. यस सर. तो ये स्क्वैश फ्लावर था जो कि मतलब एक पार्ट इसमें लैप हो सकता है. लैक एनी ऑफ. अच्छा, फोर पार्ट या एनी ऑफ वन? एनी वन. एनी ऑफ वन. ठीक है, कोई सा भी एक पार्ट लैप. सडान, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर. अच्छा, हिबिस्कस तो बहुत लोगों ने देखा होगा, वो रेड रेड कलर का जो एकदम सुंदर 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 होता है, राइट? उसका सर मेरे गार्डन में ही है, मतलब हमारे यहाँ पे. हाँ बिल्कुल, ये गार्डन में होते हैं लोग, एकदम बाहर निकल के आता है इसका स्टेमिन. यस सर. ये वाला तो मोस्ट कॉमन है आई गेस. हिबिस्कस तो मेरे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने ना देखा हो. यस सर, देखा. ठीक है, हिबिस्कस वाला प्लांट सब लोगों ने देखा होगा. स्क्वैश फ्लावर इनकम्प्लीट है ना? हाँ, ये इनकम्प्लीट है भाई. सो स्क्वैश फ्लावर में कौन सा पार्ट नहीं होता है? अरे मेल, एक साइड में मेल होगा, दूसरे साइड में फीमेल नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल हो गया ना. ओके सर. मतलब दोनों होंगे ना, एक फ्लावर ये है तो इसमें मेल है, ये दूसरा है तो ये फीमेल है, तो ये मेल फीमेल हो गया, तो पार्ट लैक हो गया ना, तो यूनिसेक्सुअल होना है कैसे देखा जाए तो. नहीं है ऐसा सर. आ गया. ठीक है, ऐसी ये देख पा रहे हो आई गेस तुमने. हिबिस्कस तो यार बहुत कॉमन होता है, बच्चे देखते भी है. मान लो अगर तुम शिमला मिला जाओगे तो वे नीचे पड़े हुए दिखेंगे बहुत सारे. ठीक है, ये रेड वाले तो आई गेस बहुत ही मोस्ट कॉमन होते हैं. ठीक है, इसका स्टेमिन देखो कितना बाहर निकल के आता है, इसमें एकदम एक्सपोज होता है, तुम इसे आराम से देख सकते हो. देख रहे हो ना ऐसे, ये ऊपर ऊपर का पोर्शन क्या है? ये वही स्टिग्मा स्टाइल, मतलब ये तो ये जो मेरे पास है ये एंटर भी हो सकता है, और वहीं पर मेरे पास क्या स्टिग्मा पे होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. तो ये सब चीजें हैं, बाइसेक्सुअल होता है. ठीक है भाई, आई होप सब कुछ में आ चुका होगा. ये सडान, कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है, तो अब हमने ये चीजें पढ़ ली है कि मेरे पास स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, हमने इसे पढ़ लिया. और अच्छा देखो, अब फाइनली हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, अब जब अगर हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है तो जरा बताना है फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या होगा मेरे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, राइट? तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्या? कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जो ओवरी होती है ना, ओवरी के अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा क्या हो जाता है? शट ऑफ हो जाता है, उड़ जाता है हवा में एकदम सूख कर. तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव कौन सा रह जाता है फिर? ओवरी. ओवरी से, तो ओवरी के अंदर मैंने बताया था ना, ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी होता है. यस सर. यस सर. तो ये जो ओवरी होती है यही ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाएगी? फ्रूट. फ्रूट खाते हो एक तरह से, तुम राइपेंड ओवरी खाते हो, इसी के अंदर ओव्यूल होता है और वो ही ओव्यूल आगे जाके क्या बन जाता है? सीड. सीड बन जाता है. वेरी गुड. ठीक है, तो ये सीड, और ये सीड का मेन का एम क्या होता है? ये सीड जब तुम सॉइल के अंदर डालोगे तो बताओ उसी के अंदर तो जायगोट बना था, याद है ना? एम्ब्रियो सैक. Yes, के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जायगोट,
तो जब तुम सीड को सॉइल में डालोगे तो वही तो एम्ब्रियोसाइट का जो जायगोट है वही तो आगे जाके नया प्लांट देगा। कहते ना सीड जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट हो गया तो नया प्लांट देगा। एम आई राइट पीपल? Yes, sir. Yes, sir. तो कल कभी क्वेश्चन आता है कि what are the post-fertilization event? So you have to say ovule is converted into seed and the ovary is converted into fruit. Okay? Sir. हाँ हाँ बोलो बोलो। इसमें फ्रूट का क्या रोल होगा? भाई तुम्हारे लिए है फ्रूट। सर प्लांट हमारे लिए क्यों बना रहा है? अच्छा वेरी गुड। एक्चुअली में वो तुम्हारे लिए नहीं बना रहा है, वो अपने सीड की प्रोटेक्शन कर रहा है। तो अगर वो अपने सीड की प्रोटेक्शन कर रहा है, अगर तुम खा रहे हो तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए नहीं बना रहा है, तुम्हें नहीं खाना है मत खाओ। लेकिन वो एक्चुअली में अपने सीड की प्रोटेक्शन करना चाहता है। तो जब वो अपने सीड की प्रोटेक्शन करना चाहता है, लेकिन वो अपने लिए भी बना, मतलब हमारे लिए बना रहा है या किसी एनिमल के लिए बना रहा है, ये नेचर का रूल है। नेचर में मतलब तुम तो किसी को कुछ दोगे नहीं, तो कम से कम प्लांट को तो देने दो। तो ये नेचर ने डिसाइड किया है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स की भूख को मिटाने के लिए, तो वो सब चीजें नेचर ने प्रोवाइड कर रखी है। इस पे ऐसे क्वेश्चन रेज हम कर सकते हैं क्यों कर रहा है, लेकिन अब नेचर ने किया है तो हम सम्मान करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं कि आप करें, और हमें इसका स्वागत करना चाहिए प्यार से, ठीक है? इंस्टेड ऑफ हम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है? बिल्कुल जायज क्वेश्चन था वैसे कि वो क्यों कर रहा है। हम बोल सकते हैं ये जो लेयर है सीड की, जो बाहर वाली लेयर है जो तुम खाते हो, जैसे आम खाया तुमने, ठीक है, फ्रूट में इतनी सारी पपाया खाया तुमने, तरबूज खाया तुमने, तो ये क्यों करता है? तो ये एक्चुअली में जितने भी आसपास के एनिमल्स हैं, नेचर ने खुद ही इसे प्रोवाइड किया हुआ है एडवांसमेंट में कि उनको प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन मिल जाए और तुम उसे खा भी लो। तुम्हारी क्या सर, मेरे को एक डाउट है। हाँ हाँ बोलो। सर समर में मैंगो और वाटरमेलन दोनों उगता है, तो जैसे वाटरमेलन खाने से मतलब बॉडी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है मैंगो से गर्म से, क्या क्या बोला इसने? एक सेकेंड बता रहे तुम लोग क्या बोल रहे हो। स्टिल सडान तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया जो तुमने क्वेश्चन पूछा था? Yes, sir. तो एक्चुअली मैं वो अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन नेचर ने फिर भी सबको सेल्फिश नहीं बनाया ना हमारी तरह, तो उसने सोचा प्लांट को सेल्फिश ना रहने देते हैं, इंसानों का पेट भर जाए, एनिमल्स का पेट भर जाए जंगलों में। हेलो मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके हर्षिता, कैन यू से दैट अगेन? अरे शर्मा गई, बताओ। सर वो मैंगो और वाटरमेलन दोनों समर सीजन में आता है ना? हाँ। तो एक को जैसे वाटरमेलन खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल रहती है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा तो ये एक तरह से ऐसा क्वेश्चन हुआ कि सर मैं सितंबर में पैदा हुई थी और मेरी फ्रेंड भी सितंबर में पैदा हुई थी, लेकिन सर फिर भी मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और उसके तो कभी नंबर ही नहीं आते, ऐसा क्यों सर? सर आप बताओ ना प्लीज, अब बताओ मैं क्या जवाब दूँ इसका। ठीक है, तो हर किसी का जीन अलग होता है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे हेरिडिटरी, हर किसी का जीन अलग है, हर किसी का कैरेक्टर अलग है। अगर वो भी तुम्हें कूल करने लग गया तो वाटरमेलन और मैंगो के अंदर फर्क क्या रह गया? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएंगे, लेकिन ठीक है ये सब क्वेश्चन ऑब्वियस होते हैं अपने अंदर कि सबके जीन अलग है, सबके डीएनए अलग है, ठीक है, सबकी वैरायटी अलग है। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर बिल्ली और शेर एक जैसे दिखते हैं, बस बिल्ली की हाइट छोटी है, बिल्ली की हाइट बड़ी हो जाए तो वो शेर जैसी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी उस, लेकिन उसके जीन हाइट वाला है ही नहीं, इसलिए वो बिल्ली रह गई और जिसके पास है वो शेर बन गया। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, और कोई डाउट? सुहानी तुम्हारा कोई डाउट है? पूछो। अरे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सडान और कोई डाउट? सडान वैसे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछता है, वैसे तो ये बात नो सर, लेकिन जब बात करने पे आता तो एकदम लॉजिकल तरीके से सोच के बोलता है, ये कहीं फंस जाए। वेरी गुड, अच्छी बात है। हाँ भाई तो आते हैं, चलो तो ये हुआ हमारे पास फाइनली फ्रूट और सीड। हाँ जो तुम कह रहे थे ना सडान की हमारे लिए क्यों करता है, तो वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, और जो नहीं करता हमारे लिए, जब जरा ये भी बता दो कौन नहीं कर पाता, पता होगा तुमने 9th क्लास पढ़ी अच्छे से। यस सर, सर वो पाइनस और जिम्नोस्पर्म, राइट? तो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये हमारे लिए कुछ नहीं देते ना, तो
तो इनको करो ब्लेम, अगर तुम्हें ये वाले खाने तो ये खा लो, ठीक है, हम तो एंजियोस्पर्म वाले खाएंगे क्योंकि अच्छे होते हैं भाई, ठीक है भाई। तो कुछ बच्चे कहेंगे इसलिए मैं नहीं पूछता सर, क्योंकि आप बाहर आते नहीं अपनी हरकतों से, बेइज्जती जरूर करनी है आपको। हाँ, तो ये हमारे पास बाईसेक्शुअल, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैंने शायद बताया भी होगा, एक हमारे पास बाईसेक्शुअल फ्लावर होता है, एक यूनिसेक्शुअल फ्लावर होता है, एम आई राइट? सबको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, अब ना एक बार एक क्वेश्चन आया बोर्ड में, ठीक है, और कुछ बच्चों की उसमें सरकार गिर गई, मतलब कुछ लोग सोच ही नहीं पा, उल्टी सीधी हरकतें लिख कर आ रहे हैं, कह रहे पता नहीं बाढ़ आ गई होगी, कुछ हो गया, हवा हो गई, कुछ भी लिख कर आ रहे हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया कि एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, कि जो हमारे पास कोकोनट होता है, कोकोनट के हर प्लांट के ऊपर कोकोनट दिखता है हमें, कोकोनट के हर एक प्लांट के ऊपर, हर एक पेड़ के ऊपर कोकोनट जरूर होता है, लेकिन पपाया के हर एक पेड़ पे पपाया नहीं होता, हर एक पेड़ पर पपाया नहीं होता, किसी में होता है किसी में नहीं होता, इसका क्या रीजन है? कोकोनट बाइसेक्सुअल होगा और पपाया यूनिसेक्सुअल। वेरी गुड, क्या बात है, हमारे यहाँ पे तो बहुत अच्छे बच्चे, पर ठीक है मैंने ऊपर लिख दिया था तो तुम समझ गए होगे, ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में एकदम रैंडमली, तो कुछ बच्चे सोच ही नहीं पाए, बच्चे ये नहीं समझ पाए कि है ये क्वेश्चन आया कौन से चैप्टर में से, तो वो डिस्ट लिख के चीजें लिख कर आ रहे हैं, कह रहे हैं हवा तेज आ गई इसलिए उसके सारे के सारे फल उड़ गए, वहां पे बाढ़ आ गई तो उसके फल उड़ गए, ठीक है कुछ लोगों ने पहले ही तोड़ लिए होंगे उसके बचपन में तो इसलिए उसके ऊपर आए ही नहीं, तो ऐसी ऐसी हरकतें लिख कर आ रहे हैं, बताओ अब बताओ टीचर मास्क कैसे थे। कुछ बच्चों ने तो ये लिख दिया कि जब वो पौधा था तो उसके सारे सीड काट लिए थे एक बच्चे ने, तो इसलिए उसके आए नहीं, अब बताओ अब उसके नहीं आए, क्या वो नहीं बोले थे क्योंकि बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं, इसका मतलब हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी हरकतें ना करें। इसको लगा ये मोरल क्वेश्चन आया है कि हमें नीचे, और उसने नाज में लिख दिया सेव द प्लांट सेव द ट्रीज, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास है, अब वो पता नहीं कौन था वो, ठीक है, तो ये पपाया है हमारे पास, तो इसीलिए कोकोनट जो होता है, कोकोनट बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों होते हैं इसके पास, तो फीमेल है तो फीमेल के पास फिर ओवरी भी होगी, और ओवरी है तो जो फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी आगे जाके क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, बोलो, कुछ बनता है, तो यूनिसेक्सुअल में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, तो क्या मेल, हाँ तो क्या मेल वाले कभी फ्रूट बना पाएंगे? नो सर, तो मेल वाले तो मेल ही रहेंगे, तो इसका मतलब जिसपे तुम्हें फ्रूट नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना प्यारे प्यारे बच्चों कि वो मेल है और जिसपे फ्रूट दिख रहा है वो फीमेल है। एनी डाउट इन दिस? नो सर, बहुत सिंपल सा। इसी के साथ तुम्हारा ये प्लांट का जो रिप्रोडक्शन है वो होता है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। कैसा था प्लांट का रिप्रोडक्शन? बहुत गंदा, अरे बहुत अच्छा था, ठीक है भाई। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आते थे राइपेंड ओवरी बिकम्स दी डैश, तो क्या लिखोगे? फ्रूट। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि अच्छा मान लो अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो अब क्या होता है पूरे के पूरे प्लांट का, मेल और फीमेल का? मेल झड़ जाते हैं और फीमेल जितनी भी चीजें होती है वो सब क्या हो जाएंगी, सूख के गिर जाएंगी, सूख के झड़ जाएंगी सारी की सारी, राइट? तो कैन आई से अदर पार्ट सच एज द सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमेन, वीदर ऑफ, वीदर ऑफ का मतलब सबके सब उड़ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला बहुत ईजी है, सिंपल, किसी को भी कोई डाउट नहीं है इसमें। अच्छा देखो, अब ना कभी अभी सीड के बारे में थोड़ा सा पढ़ने के लिए आता है, बताओ सीड के अंदर क्या था? ओव्यूल। सीड के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल से सीड बना था। वेरी गुड, तुम बता क्या बोल रही हो ये, तुमने अभी जो लाइन बोली, ओव्यूल से सीड बना था। अब सीड के अंदर राइट नाउ क्या होता है? एम्ब्रियो सैक बताया था ना यार, तो अब जब एम्ब्रियो सैक था तो जहाँ पे जाइगोट था, अब जब वो सीड बन गया है तो जरा बताना वो जाइगोट क्या बन चुका होगा? एम्ब्रियो। अरे यार इतनी बात भी नहीं पता क्या, जब छोटा था तो जाइगोट था, जब ये सीड बन गया ओव्यूल से, तो ये भी तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, राइट?
तो अब एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का मतलब ज्यादा सेल का होना, ये एक सेल है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, जैसे तुम भी तो होते हो, जब तुम मदर के अंदर होते हो क्या होते हो, जायगोट होते हो एक सेल के, एक सेल से फिर तुम क्या बनते हो, ये एम्ब्रियो बनते हो। ठीक है, तो ये जो मेरे पास सीड होता है, ये सीड जर्मिनेट होके क्या बनाता है आगे, यस, एक न्यू प्लांट। और यही तो हमें चाहिए था, राइट भाई, मेन मेन एम तो यही है ना। कुछ बच्चे कह रहे हो, अरे सर ये तो हमने ध्यान ही नहीं, हम तो भूल ही गए थे कि हमें नया प्लांट बनाना है, हम तो बस पढ़ते जा रहे थे उल्टा सीधा जैसे क्या क्या। तो भाई मेन एम यही था, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो ना, तो नया प्लांट बनाना था हमें। अच्छा बताओ, सीड के जर्मिनेशन के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है, कैनाई से एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल जिसमें न्यूट्रिशन हो, प्रॉपर मॉइस्चर, टेम्परेचर, एयर, एम आई राइट? ठीक है, अब ना देखो सीड के अंदर ना दो रीजन होते हैं, वो चीज ध्यान रखना, सीड के अंदर दो रीजन होते हैं, एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लिम्यूल। ठीक है, तो रेडिकल जो होता है वो रेडिकल, देखो आर से, आर का मतलब क्या है, रूट, तो रेडिकल आगे जाके क्या बनाता है, रूट बनाता है। और ये जो प्लिम्यूल होता है, प्लिम्यूल आगे जाके क्या बनाता है, शूट। शूट का मतलब क्या होता है, जैसे स्टेम, लीव्स, ठीक है ना, सॉइल के ऊपर का पार्ट, हाँ सॉइल के ऊपर का पार्ट पूरा। तो ये प्लिम्यूल सीड का जो पार्ट है वो शूट बनाएगा, जो रेडिकल है वो नीचे का क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। इज दैट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? यस यस सर। ठीक है, तो ना अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के और क्या एग्जांपल्स होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया के अलावा? वैसे पाया के अलावा, हाँ हाँ, वैसे हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ, सारे बच्चे एक बार लिख लें, चलो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में आ जाए सारे बच्चे। तो यूनिसेक्सुअल में लिख रहे हैं सारे बच्चे स्क्वैश, जैसे अभी तुमने पूछा था, ठीक है, पपाया, कॉर्न, लिख रहे हैं सारे बच्चे, स्क्वैश, अभी जैसे मैंने बताया था ना, पपाया और कॉर्न। याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, पीसीएस, जब तुम नाइन्थ क्लास में थे, पैरेन्काइमा, कॉर्नकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो पी से याद रखना पपाया, सी से याद रखना कॉर्न, और एस का मतलब रखना स्क्वैश। ठीक है, पीसीएस, और इसका क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका रखना एचएलएस या एस, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक स्कूल का नाम था लिटिल हिल स्कूल, एलएचएस बोलते हैं उसे, हाँ एलएचएस, तो चलो वैसे भी याद रहेगा तुम्हें, आरएचएस, एलएचएस। एल का मतलब क्या होता है, लिली, लिली। एच का मतलब क्या होता है, हिबिस्कस। प्रेस का मतलब क्या होता है, एक सेकंड, रुक लो, वही क्या, एस से क्या होता है, सागर सर मत बोल देना, पिटाई होगी बेटा। हाँ, तो ये एस, एस को हटा दो, एस नहीं होता यार कुछ, मेरे ख्याल से एल एच आर होता है, एल एच आर, आर का मतलब होता है रोज। ठीक है, तो ये एस हटा दो, एल एच आर याद रखना, नहीं तो कुछ याद मत रखो, बस अपना खुद ही याद रखो, लिली, हिबिस्कस, रोज, इसके लिए कोई ट्रिक थोड़ी होनी चाहिए, ये तो वैसे याद रखोगे। ठीक है, लिली, हिबिस्कस, रोज, और वो याद रखना पपाया, ठीक है, कॉर्न, और एस का मतलब क्या था, ये स्क्वायर से गेम भी होता है, कहीं गेम वेम का वो मत करना कि स्क्वायर में, तो स्क्वायर खेलता हूँ बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? यस प्यारी प्यारी बच्ची सुहानी, आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। तो ऐसी ना देखो, जैसे ये रूट था, तो रूट के जो यला रीजन होता है ना, रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक चीज याद रखे सारे बच्चे बस, ये जो रेडिकल यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन होता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल, वैसे ये तुम आगे जाके पढ़ोगे डिटेल में, हाइपोकोटाइल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये मेरे पास होता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल, तो हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये? यस सर। तो बस ये वाला पार्ट था, और इसी के साथ हमारा ये प्लांट का पोर्शन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना ये होता है कि, अच्छा बताओ प्लांट जो होते हैं वो प्लांट यूनिसेक्सुअल भी कर सकते हैं और क्रॉस सेक्सुअल, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी, तो वो क्या करना चाहेंगे फिर, सेल्फ या फिर क्रॉस? क्रॉस क्यों करना चाहेंगे वो? कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइस डेवलप किए हैं कि जिससे वो अपनी प्लांट के साथ ना कर पाए, दूसरे के साथ करें।
तो वो ये बता चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है मैं ये बता चुका हूँ ना शायद, तो एक मैंने बताया था मैकेनिज्म वाला कि एक मेल फीमेल के बारे में सोचता है, फीमेल मेल के बारे में इस तरीके से, राइट? तो उसको मैंने बताया था सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, तुम इनकॉम्पेटिबल नहीं हो पाते हो अपने लोगों के साथ, दूसरे के साथ हो जाते हो, तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी ये मैंने समझाया था, ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, राइट? जेनेटिक्स के अंदर है, तुम्हारे बॉडी के अंदर वो ऑलरेडी है, तो जेनेटिक मैकेनिज्म नहीं आ रहा समझ। ऐसी दूसरा वाला हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि पहले मेल डेवलप हो जाए फीमेल ना हो, या पहले फीमेल हो जाए मेल ना हो, तो क्या वो आपस में कर पाएंगे फिर? तो वैसे तो ये मुझे 12th में बताना चाहिए तुम्हें, लेकिन तो कोई बात नहीं, फाउंडेशन में हो। प्रोटोजेनी मतलब जेनी का मतलब फीमेल, गाइनोशियम, तो जब फीमेल पहले डेवलप हो जाए, और एक होता है मेरे पास प्रोटेंड्री, प्रोटो एंड एंड्रोशियम, एंड्री प्रोटेंड्री, तो जब मेल पहले डेवलप हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे मेल पहले डेवलप हो जाएगा, फीमेल नहीं हो पाएगी, यहाँ पे फीमेल पहले डेवलप हो जाएगी, मेल नहीं हो पाएगा, ठीक है? मतलब स्टिग्मा जो होती है ना, वो रिसेप्टिव होनी चाहिए, तो स्टिग्मा यहाँ पे पहले रिसेप्टिव हो जाएगी, लेकिन पोलन ग्रेन डेवलप ही नहीं होंगे, यहाँ पे पोलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे, तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होगी, तो बताओ फिर इनको बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी किसी और के पे डिपेंड रहना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या एरो एरो फीमेल फीमेल पहले एक्टिव हो जाएगी, फीमेल पहले डेवलप हो जाएगी, मेल नहीं होगा, ऐसे यहाँ पे मेल पहले डेवलप हो जाएगा, फीमेल नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई? तो ये इससे क्या होगा, ये सेल पोलिनेशन करेंगे क्रॉस क्रॉस, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है? तो ये सब चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि क्या हम चाहें तो क्या अपना डिजायरेबल टाइप का फ्रूट बनवा सकते हैं, क्या हम अपना देखो एक फ्लावर है, तुम्हें एक बात पता है कि अगर एक फ्लावर है ना, तो लेकिन उसका एंथर बहुत ही गंदा है, लेकिन उसकी फीमेल के जो ओवरी है उसका सीड बहुत ही अच्छा है, तो तुम क्या करोगे, जब वो प्लांट छोटा सा होगा ना, छोटा सा, एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो, हाँ श्योर अभी कर रहे हैं, तो जब वो छोटा सा रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, हम ना इसका ये कट कर देते हैं ये कैंची से, तो बताओ एक तरह से हमने उसका क्या कर दिया, डाइसेक्शन कर दिया, मतलब पूरा कट ही कर दिया उसके मेल पार्ट्स। Yes, जब उसके मेल पार्ट कट कर दिए, तो अब ये फीमेल सेफ है, लेकिन क्या ये अपने के साथ सेफ हो गई है, लेकिन दूसरे भी तो मेल आ सकते हैं किसी और फ्लावर से। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने कट करा है, तो इस कट को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है, कटिंग ऑफ एंथर्स, तो इसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इमैस्कुलेशन। अब ये मेरे पास फीमेल है, तो इस फीमेल को हम किससे कवर कर देते हैं ताकि कोई और बदतमीज ना आ जाए, तो इसको हम कवर कर देते हैं किससे, बटर पेपर से। भाई एयर में तो बहुत सारे होते हैं ना, एयर के अंदर तो बहुत सारे पोलन ग्रेन घूमते रहते हैं, तो इससे अच्छा इसको बटर पेपर से कवर कर दो, एक हल्का सा पेपर होता है, ताकि कोई और ना आ पाए, ठीक है? अब जैसी ये मैच्योर होगी, तो हम क्या करते हैं, किसी किस कहीं से भी जो अच्छा वाला पोलन ग्रेन होगा, वहां से एक सुपीरियर टाइप का लाएंगे या इंफीरियर? सुपीरियर। इंफीरियर क्यों लाएंगे भाई हम, इंफीरियर से क्या फायदा होगा जरा बताने को, तो सुपीरियर लाए हम, इसके ऊपर डस्टेड करते हैं, जैसे तुम करते हो ना, जब तुम्हारी मैम साफ कर देते कि जाओ से झाड़ के लाओ बाहर, तो तुम ऐसे करते हो, धुआं उड़ाते हो, ठीक है? तो इस तरीके से निकल के आता है धुआं धुआं सा, ऐसे तुम इसके ऊपर डस्ट कर दोगे ऐसे, तो बताओ पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिर जाएंगे या नहीं गिरेंगे? फिर ये पोलन ट्यूब बनाएंगे, पोलन ट्यूब बना के फिर वो ओवरी में जाएगा, तो बताओ अब सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, तो इससे तो जाइगोट आएगा, वो सुपीरियर आएगा, इनफीरियर सुपीरियर। अब जब सुपीरियर आएगा, तो जब तुम इसे सीड सीड बन जाएगा या फ्रूट आएगा, तो वो भी सुपीरियर होगा इनफीरियर होगा? सुपीरियर। तो ये अच्छी बात है, अच्छे अच्छे डीएनए मिलके अच्छी चीजें बनाएंगे, एम आई राइट भाई? ये तो रियल लाइफ में भी होता है, अगर एक लड़का अच्छा खासा स्मार्ट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो उसके लिए भी लड़की कैसे देखते हैं, इंजीनियर डॉक्टर ही देखते हैं, या फिर ऐसी कोई भी मान लो गाँव से देख ली, बताओ एक जनरल सा क्वेश्चन। इंजीनियर डॉक्टर देखते हैं ना मोस्टली लोग, मतलब देख लेते हैं, कुछ लोग गांव से भी देखते हैं कि नहीं नहीं हम तो गांव वाली लेंगे, क्यों, क्योंकि गांव वाली काम करती है बहुत, घर का कर ले काम,
ठीक है, घर को संभालती है अच्छे, कुछ लोग ऐसी हरकतें भी करते हैं, तो ठीक है अलग अलग चॉइस है, लेकिन यूजुअली जो लड़का होगा वो लड़का खुद क्या चाहेगा लड़का तो अपने जैसे चाहेगा ना भाई, यूजुअली ऐसे ही तो होता है। और लड़की भी होगी, मान लो लड़की डॉक्टर है, तो लड़की डॉक्टर तो फिर लड़के वो क्या चाहेगी कि उसके लड़का कैसा हो आने वाले टाइम में, वो भी वही चाहिए कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, कुछ भी हो, ये सब चीजें हो। आईएएस के नाम से मुझे याद है, जैसे पता है देखो, जैसे अंकित सर का हो गया आईएएस में, राइट, देखा होगा सर। ऐसा कौन बच्चा जो मेरा स्टेटस नहीं देखता, बेटा आज तक से भी तेज होते हैं, सेक्रेटरी रख रखा है मैंने स्टेटसों के लिए, ठीक है सब लोग ध्यान रखा करें। तो बताओ जो मैम है, पूजा मैम जानते हो तुम लोग, पूजा मैम को नहीं जाना है? अच्छा स्टेटस से जाना होगा, वैसे रियल में नहीं देखा होगा, ठीक है। एक पूजा मैम भी है, ठीक है, तो पूजा मैम भी मतलब एक्चुअली वो टीयू से है, मिरांडा हाउस कॉलेज से, उन्होंने जूलॉजी ऑनर्स किया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने एक्चुअली सेकंड अटेम्प्ट में ही आईएएस का एग्जाम निकाल दिया, सेकंड अटेम्प्ट। सर मैंने उनका वो भी देखा था, वो जो दृष्टि आईएएस, हां सर मैंने भी देखा था, मैंने शेयर किया था, हां मैंने वो पूरा बैठ के देखा था, अच्छा था ना बहुत। हाँ वो, yes, वो लास्ट में कह रहे थे कि आप थोड़ा हंस भी लिया करो, आपका सब तो क्लियर हो गया है, सब उस स्ट्रेस में बोल रही थी बहुत। हाँ हाँ वो हमेशा बहुत शांत रहती हैं, बहुत चुपचाप रहती हैं, हाँ ऐसा रहता है। वो एक्चुअली रियल में भी बहुत शांत रहती हैं, एकदम चुप चुप करके बोलती हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा आप इतना कम क्यों बोलते हो, तो कह रही मैं ऐसे ही बात कहती हूँ। सर कौन वो जो आईपीएस बने थे? आईएएस मैम जो है, जो अंकित सर के साथ जो रहती है, अंकित सर वाली है वो, ठीक है। तो बताओ दोनों आईएएस है ना? दोनों आईएएस है, हाँ दोनों आईएएस, ठीक है। मैम पहले ही बन गई थी, ठीक है, अंकित सर को थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, अंकित सर को थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम लगा, लेकिन दोनों आई है सर, ठीक है। एक्चुअली मैम वेट करी थी कब आई, कब अंकित सर बने, ठीक है। अच्छा चलो, तो आते हैं, तो फाइनली हमारे पास तो ये था कि जो सुपीरियर होगा तो वो सुपीरियर ही चाहेगा। इसी तरीके से आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, या इंजीनियर डॉक्टर, इस तरीके से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईपीएस, आईएएस, इस तरीके से आजकल चीज चल रही है, ठीक है। तो जैसे लोग बोलते हैं, जैसे आज का मैं कुछ पढ़ रहा था कि आई जैसे आईएएस का, जैसे यूजुअली क्या होता है कि एक रिक्शे वाले का बेटा बना आईएएस, कभी सुना है? आज मैंने पढ़ा कि आईएएस का बेटा बना रिक्शे वाला आज की, तो आजकल मैंने कहा आज की सबसे हिला देने वाली खबर कि वही तो कहने के, और उसमें लिखा वो प्रोटोकॉल को तोड़ना सीखे तो ऐसी हरकतें तुम में से कोई नहीं करेगा, मुझे यही उम्मीद है, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा, ठीक है, प्लांट के बारे में, ठीक है। तो हम अपने चाहे तो इस तरीके से क्रॉसिंग करवा सकते हैं डिजायरेबल टाइप की, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट? मेरे को नहीं लगता किसी को डाउट होगा इसके अंदर, नो सर। तो आई गेस, और ये प्लांट वाला ना काफी इंटरेस्टिंग था वैसे देखा जाए तो, वैसे ह्यूमंस का आ रहा है तो ह्यूमंस के लिए तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं वो पढ़ाऊँ, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे वो छोड़ देना चाहिए, तुम वो खुद पढ़ लो। सर नहीं सर, बायो वाले स्टूडेंट्स को सर इससे मतलब फेस ऑफ करना पड़ेगा, उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम होगी। अच्छा ओ, आगे जाके प्रॉब्लम होगी तुम्हें? अच्छा क्या प्रॉब्लम होगी तुम्हें, जरा बताना एक बार। हंसना नहीं चाहिए सर, क्योंकि नॉर्मल बॉडी पार्ट से होते हैं वो, अरे पता है भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, सीरियस। अगर तुम छठी क्लास में भी होते तो भी मैं तुम्हें पढ़ाता, ठीक है। तो मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स जानना चाह रहा था, पर कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, मैं नहीं भाई, मैं हर बार पढ़ाता हूँ, और बोर्ड का सवाल है भाई, बोर्ड के सवाल को मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। चलो तो किसका बर्थडे हो रहा है, मम्मी रूम बंद करो। हाँ हर्षिता कुछ बोल रही हो तुम? हाँ 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 वेरी गुड, ज्ञान की प्राप्ति तो बिल्कुल होगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा भाई, तो मैं सोच रहा हूँ वैसे आज प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं ह्यूमन का, ठीक है। तो देखो अब ना एक चीज और है, हाँ देखो एक चीज याद रखना, जैसे एक ना हमारे पास वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन मैंने तुम्हें बताया था, तो उसी तरीके से ना कुछ प्लांट के अंदर वेजिटेरियन रिप्रोडक्शन और भी होता है, जैसे कि जिंजर होता है। जिंजर को अगर तुम सॉइल में रख दोगे तो वो फिर से ग्रो कर जाता है, तो उसका जो वो होता है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होता है राइजोम। तो जिंजर फिर से नया प्लांट बना लेगा विद द हेल्प ऑफ द राइजोम्स, ठीक है। तो ये राइजोम्स क्या होते हैं मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर जिंजर ऐसे तुमने वो देखा होगा पोटैटो के अंदर छोटी छोटी आईज बनी होती हैं गड्ढे गड्ढे से, ठीक है। अगर तुमने उसे सॉइल में डाल दिया तो वहां से वो नया प्लांट निकाल लेते हैं, प्लांट बन जाएगा उस पोटैटो में से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आईज इन पोटैटो,
ठीक है, ऐसे मेरे पास जिंजर के अंदर बोला जाता है राइजोम, वो स्ट्रक्चर होता है जिससे पूरा एक नया प्लांट बनकर आ जाएगा। देख पा रहे हो ये, देखो मैं इस तरह जरा राइट साइड देखना, ठीक है, जूम करके देखना जिनके पास फोन है। Yes, सर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? हाँ, अब देख लिया आपने, आपको भी शेयर हो गई होगी आई गेस। यस, ठीक है, तो ये देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है राइजोम। देखो ये एक्चुअली में ना स्टेम होती है जिंजर, तो ये जो स्टेम होती है तो इससे रूट निकल के आ रही है, स्टेम से तो कभी रूट निकलती ही नहीं है, इसलिए इन रूट का नाम हो जाता है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ये बड है, बड जहाँ से फ्लावर निकल के आता है, देखो ये इस तरीके से नोड इंटर नोड मैंने बताया था ना, जहाँ से ब्रांच निकल के आती है वो नोड होता है, इनके बीच में इंटर नोड, क्योंकि ये स्टेम है, तो यहाँ से एक प्लांट सा और निकल के आ रहा है पूरा पूरा लीव जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं राइजोम, की जिंजर के अंदर राइजोम स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ये पूरा प्लांट निकल के आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, देख रहे हो ये वाला, ये देखो ऐसे ऐसे निकल के आ रहा है पिंक पिंक सा, देख पा रहे हो कैसा लग रहा है, सलजम जैसा? ठीक है, वेरी गुड, अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये पूरा अगर तुमने सॉइल में रख दिया, ज्यादा देर रखा तो वो प्लांट नया बना लेगा। ठीक है, इसी तरीके से आई गेस तुमने आईज इन पोटैटो भी देखा होगा, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि तुम लोग अपनी सोसाइटी के अलावा किसी मतलब रखते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है सब कैसे दिखते हैं, तो मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, तो आईज इन पोटैटो देख रहे हो, देख रहे हो ये, हाँ, तो ये जो मेरे पास है ये है ऐसे निकल के आ रहे हैं ना, देखो पोटैटो से, तो अगर तुमने इसे सॉइल में रखा तो इस तरीके से आगे नया प्लांट बना देगा। इन्होंने देखो कुछ जानबूझ के वही बना दिया, देखो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर्षिता कह रही है कि ओ ये वाली आग निकाल के मैं अपने में लगा लूंगी तो मेरी आग ज्यादा हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या कर दिया, देखो देखो इसको देखो, देख रहे हो तो ये तो बिल्कुल ही, मतलब ये हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा खास टैलेंट है कि वो मीम बनाने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हमारे भी पेज बन रखे हैं शायद, दो तीन बच्चों ने बना रखे हैं, आलू को भी नहीं छोड़ा, मतलब समझो देखो देखो ये वाला, मतलब इसका मुंह गायब कर दिया इन लोगों ने, ये वाला इसका मुंह गायब कर दिया। ठीक है, ये बस देखता है, ठीक है, तो ये था, तो याद रखेंगे सारे बच्चे, तो जैसे कि मैंने बताया आईज इन पोटैटो एंड राइजोम इन जिंजर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, यस स्वास्तिका, डू यू नो दैट हु इज ममता बनर्जी? ऑफ कोर्स, यस ममता दीदी, यस, तो बहुत फेमस है ममता दीदी। ठीक है, तो देखो तो एक्चुअली ना क्या हुआ था कि वहां पे ना सुंदरवन से बहुत सारे पानी के अंदर ना एक प्लांटेशन उगाया गया था, एक प्लांट मतलब एक प्लांट लगाया गया, बहुत सुंदर फ्लावर था वो, और उसका नाम था वाटर हाइसिंथ। ठीक है, आई गेस तुम लोगों ने सुना होगा वाटर हाइसिंथ, तो वाटर हाइसिंथ ना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, तो प्लांट में लगाया गया कि ओ वाह मजा आएगा, देखो देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, तो वाटर हाइसिंथ लगाया गया। मैं एक बार दिखा देता हूँ, वैसे तुम लोग देख के कहो कि हैं इतना भी सुंदर नहीं है, बेफालतू की तारीफ करते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो इधर राइट साइड, राइट साइड देख रहे हो, कुछ लोग कह रहे हो वो तो चमेली है, चमेली नहीं है वो। ठीक है, तो हर चीज चमेली नहीं होती जो अच्छी होती है। हाँ, तो देखो ये ना एक्चुअली लगाया गया पानी में, तो हमको लगा कि चलो अच्छी बात है। अब ये ना एक्चुअली फैलता बहुत तेजी से है, इन ये ना एक अपने प्लांट में से कैसा स्ट्रक्चर निकालते हैं जैसे बोलते हैं ऑफसेट, क्या बोलते हैं ऑफसेट, तो ये ऑफसेट कर करके इसने पूरी पूरी की पूरी प्लांट को ही कवर कर लिया, पूरी रिवर को ही कवर कर लिया, मतलब वो पॉन्ड जैसा था, देख रहे हो ये? राइट साइड देखो, तो देख रहे हो ये कवर करता जा रहा है, कवर करता जा रहा है। अब तुम्हें पता है बंगाल में ज्यादा क्या खाते हैं? मछली। ठीक है, मछली के बिना तो कुछ होता नहीं है, मछली बहुत फेमस है ना स्वास्थ्य का, मैं राइट, मैंने उस वाली वो नहीं खाती, नहीं ये तो झूठ है बहुत, फिर सही में नहीं खाती मैं, फिर तो मैं बंगाली नहीं बोल सकता तुमको, आई एम सॉरी फॉर दैट, बंगाली और मछली नहीं खाती, मेरे को अच्छा नहीं लगता वो। ठीक है चलो, ठीक है ओके, वैसे बंगाली लोगों का फेवरेट फूड जहां तक मैंने सुना है मछली चावल सुना है, मतलब मे बी पुराना ट्रेडिशन हो गया हुए, वैसे वाली मूवीज होती है विकी डोनर, उसमें भी कहते हैं ना ममता बनर्जी मछली, वो मछली बना रही होती है, देखा है नहीं देखा, कि पानी दा रंग दे अखियां जो तो वो दुनिया के बोलता रहता है। ठीक है, मैं पूरा गाना नहीं गाऊंगा, ठीक है तुम्हारे सामने तो बिल्कुल नहीं, बदतमीज बच्चों। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, पूरे पानी को उसने कवर कर लिया, तो पूरे पानी को कवर कर लिया, तो मुझे एक बात बताओ, अब जो अंदर अंदर मछलियां हैं
उनको तो डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होते पानी के अंदर, लेकिन ये प्लांट इतना बदतमीज है, एक तो ये नई ऑक्सीजन को जान नहीं दे रहा क्यों, क्योंकि उसने ऊपर एक लेयर बना ली है, ऊपर से जितनी बची कुछ ऑक्सीजन थी वो उसने खुद चूस ली रूट से, तो मछली के लिए कोई ऑक्सीजन बची? No, sir. एक तो नहीं आ नहीं पा रही, और जो बची कुची थी वो उसने ले ली, अब मछलियां सारी मर गई बेचारी, तो मछलियां सारी मर गई और जो बेचारे पूरे के पूरे बंगालीज उसके ऊपर डिपेंड है वो क्या कहेंगे, उनकी तो हावत आ गई कि मछली खाए मछली खाए, लोगों ने कहा मरी हुई मछली खा लो ना अंदर से, क्या एक थप्पड़ मारो, मरी मछली कौन खाता है, मरी हुई मछली ऐसे नहीं खाई जाती कि मरी हुई तो चलो कुछ भी खा लेंगे, इंसान है हम, कोई ऐसे मरी थोड़ी खा लेंगे, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे एक नाम दे दिया गया, क्या, टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी घटना हो गई, इसका मतलब है सडन क्या हुआ, मतलब कुछ दिखा एक्सीडेंट क्या हुआ, सडन कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? अरे नहीं नो सर क्या हुआ बताओ बताओ, अरे नहीं सर कुछ नहीं, अरे सेक्शन से कह रहा था। अच्छा सर वो बात है, अच्छा कुछ पर्सनल बातें चल रही है क्या तुम्हारी आपस में, सर बताओ। नहीं सर, हां नहीं सर, लाख बच्चे बड़े हो रहे हो ना आजकल, क्या करे हार्मोन थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाते हम लोग। अरे नहीं सर। अच्छा ठीक है चलो, ठीक है चलो। एक्सीडेंट कुछ दिखा, ये कुछ दिखा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ दिखा ऐसा क्या दिखा, कुछ उल्टी सीधी साइड खुल गई है क्या बत्ते में बच्चों, अभी रुक जाओ, ये कुछ बत्ते में बच्चे है हमारे देश में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ऐसा यहाँ पे, बताओ फ्लावर को देख के एक्साइट हो रहे हैं कुछ बच्चे, अच्छा ये वाले फूल तुम देते हो किसी को, ओके ओके ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो फाइनली मछलियां सारी मर गई और वहां पे बंगाल का नाम क्या पड़ गया, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, तो वैसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से लगा क्या, ओ कि एक जमाने में ना बंगाल में आतंकवादी गतिविधि हुई थी जिससे बहुत सारे लोग मर गए, शूट कर दिया लोगों को, तो इसलिए वहां पे पड़ गया टेरर ऑफ बंगाल, कोई सोच भी नहीं सकता टेरर ऑफ बंगाल किसी फ्लावर का नाम है, ठीक है, तो इसीलिए समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। यस सर, टेरर ऑफ बंगाल में कौन सा प्लांट उगाया गया था, यही मुझे उम्मीद थी, तो ये ऑफिसर पानी को कवर करता है, कौन मर गया था इसमें, मछली मर गई थी, और जो लोग डिपेंडेंट थे वो भी अंदर अंदर मर ही गए थे, ठीक है, उनकी आत्मा मर गई थी, क्यों, क्योंकि बिना मछली के कैसे रहेंगे बेचारे, ठीक है, तो कुछ चीज होती है क्या, पनीर नाम की भी कुछ चीज होती है, पनीर का मुकाबला मछली थोड़ी कर पाएगी, मतलब कर लेती है, कर लेती है, तुम्हारे को कर लेती है, मछली मछली होती है, पनीर पनीर होता है, हर ये तो ठीक है, हर वेजिटेरियन ये बोल, हर वेजिटेरियन के पास एक ही चीज है कि पनीर खा लो, पनीर, ठीक है, वैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, आई कैन भी है, छोले भी है, सब कुछ है, जो मेरे दोस्त बोलते हैं कि अब इसको जब देखो ये पनीर ही पनीर चिल्लाता रहता है, वैसे तो मुझे पनीर कितनी वो हो गई है कि अब मेरे को पनीर भी अच्छा नहीं लगता, बताओ, ठीक है, तो ये ऑफसेट का क्या होता, टेरर ऑफ बंगाल, ये हर्षिता बहुत हर्षित है, मुझे लग रहा है हर्षिता सब खाती है, हर्षिता तो हड्डियां हड्डियां नहीं छोड़ती किसी की, बताओ, हड्डियां तो खा जाती है बिल्कुल, हड्डियों का पूरा कचुम्बर, तेल हड्डियों का तेल तक निकल जाता है, हड्डियां सारी सब भाग जाते, मुर्गा मुर्गी सब भाग जाते, देख के तो अब नहीं बचने वाले, तो ये टेरर ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे हम प्लांट का करते हैं समापन, ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने प्लांट का पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई, तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा, सब लोग एंजॉय करें, ठीक है, एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें, ठीक है, स्कूल से कोई नोटिफिकेशन आया नया? नहीं सर, कोई नया स्कूल खुला, मैंने सुना है, अरे उनको बोलने दो, अच्छा ठीक है, क्या तो आप बता दोगे तो कौन सा कुछ चले जाएगा, कहते मैम अगर नंबर नहीं आया ना तो हमारे पे ध्यान रखना, ऑनलाइन क्लास है, कुछ ऐसे तो है नहीं, अगर नंबर नहीं आएंगे तो आपका भी तो फेलियर है, ठीक है, वैसे यहाँ पे कुछ बच्चों ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उनका नाम लेना नहीं चाहता,